दोस्तों, अगर आप एक महिला मेट हैं या फिर रोजगार सेवक हैं, आपने मनरेगा की वेबसाइट पर काम करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक काम होता है जॉब कार्ड वेरिफिकेशन का। अगर आप जॉब कार्ड वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है पूरा प्रोसेस कि कैसे जॉब कार्ड वेरिफिकेशन किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस मोबाइल पर जॉब कार्ड वेरिफिकेशन करने का पूरा तरीका बताएंगे। आप अकेले एक मोबाइल फ़ोन से ही जॉब कार्ड वेरिफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन में फ़ोटो अपलोड करना होता है, जो लाभार्थी होता है, श्रमिक होता है, उसका जो है आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो कैसे खींचेंगे, फ़ोटो का कितना साइज रखना है और साइज हम किस तरीके से कम करेंगे, क्योंकि अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस वेबसाइट पर जब हम जॉब कार्ड वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए 30 KB से कम का फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो हम इस मोबाइल से खींचे हुए फ़ोटो को किस तरीके से 30 KB का बनाएंगे, तो आपको किस तरीके से उनका जॉब कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल तरीके से करना है, वो पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो ये इकलौता वीडियो है जो आपको जॉब कार्ड वेरिफिकेशन की पूरी जानकारी देगा। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक सूची निकालनी है जहाँ पर आपको देखना है कि आपके कितने जॉब कार्ड वेरिफिकेशन होने हैं। ठीक है, सूची निकालने का तरीका भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है, यहाँ पर देखिए मनरेगा उत्तर प्रदेश। जैसे आप मनरेगा उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे, सिंपल आपको यहाँ ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ओपन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट ओपन करने के बाद आप अपने ब्लॉक को ओपन कर सकते हैं। ब्लॉक को ओपन करने के बाद आप अपनी ग्राम पंचायत को ओपन करेंगे। ग्राम पंचायत को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक MIS रिपोर्ट खुलेगी। इस रिपोर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ जॉब कार्ड। तो आप यहां से जॉब कार्ड पेंडिंग है, जो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग जॉब कार्ड है, उनकी सूची देख सकते हैं। इसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए। अब आपको इन्हीं श्रमिकों का फ़ोटो लेना है। अब फ़ोटो आपको कैसे लेना है, देखिए आपके पास पुराना फ़ोटो अगर करंटली में पड़ा हुआ है तो वो आपको अपलोड नहीं करना है। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको करंट फ़ोटो लेना है। करंट का मतलब है साल दो साल का ले सकते हो, ज़्यादा पुराना नहीं। तो आपको फ़ोटो लेना है, चाहे आप उसका रियल में खींच लीजिए, चाहे आप अगर किसी फ़ोटो उसका आपके पास है तो उस फ़ोटो से मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद अब बात आती है कि इस फ़ोटो का साइज़ कम करना है, 30 KB का साइज़ करना है, क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो ये फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो साइज़ कम करने के लिए वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में यहाँ पर भी बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है क्यू रिड्यूस मल्टी। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऐप मिलेगा। उस ऐप में जाने के बाद इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से आप जो है फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वालिटी का बटन आएगा, क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 30 KB लिख देना है। 30 KB लिख देंगे तो यहाँ से आपके फ़ोटो का साइज जो है 30 KB हो जाएगा और आपको फ़ोटो ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको मनरेगा की वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने मनरेगा की वेबसाइट लॉगिन कर ली है अपने PO लॉगिन से। अगर आपके पास ग्राम पंचायत लॉगिन है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ जॉब कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जॉब कार्ड सूची खुल चुकी है। अब आपको किसका डालना है, मतलब किसका वेरिफिकेशन करना है, तो आप अपनी सूची को उठाइए जो आपको पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ जॉब कार्ड की सूची निकाली थी आपने, उस सूची में से जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आपको सर्च करना है जिसका फ़ोटो आपने खींचा था, जिसका आपको वेरिफिकेशन करना है उसका जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जॉब कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको वर्कर फ़ोटो पर क्लिक करना है, वर्कर फ़ोटो लिखा हुआ है, वर्कर फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जहाँ पर जाने के बाद आपको अपने गैलरी से साइज कम किए हुए फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से ये फ़ोटो अपलोड हो गया है, लेकिन ये अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, केवल फ़ोटो अपलोड हुआ है। इसके बाद आपको दो बार बैक बटन पर क्लिक करना है। जब दो बार आप बैक आएंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यस का बटन आ रहा है और एक फिर से यस आ रहा है, इन दोनों को हमें यस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें डेट डालनी है। डेट आज की डाल सकते हो या फिर आप दो दिन पुरानी भी डाल सकते हो, अगर करंट की डेट नहीं ले रहा है तो आप दो दिन बैक की डेट डालेंगे तो यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आप डेट डालने के बाद
यहाँ सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका जॉब कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन कर लेना है और जितने भी आपकी जो पेंडिंग वाली सूची है इसको आपको क्लियर करना है, तभी आपकी ग्राम पंचायत के सारे वेरिफिकेशन हो पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बस यही तरीका बताना था कि किस तरीके से आप एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ोटो खींचकर फ़ोटो का साइज़ कम करके किस तरीके से आप मोबाइल से जॉब कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।